हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप से लाइम ग्रीन एंड ग्रेटोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो इसे रखते हैं -10, एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +8, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +29, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से रेड कलर की ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10, एंड नेक्स्ट जाते हैं ऑरेंज टोन पे, एंड ऑरेंज टोन में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10, एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +30, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +56, एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +74, एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -45, एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +71, एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +46, एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे, एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम -100, एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू को करेंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +45, एंड ऊपर से कर देंगे डन, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जाएंगे हम थर्ड वाला ऑप्शन पे जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन। तो गाइस, इस पर क्लिक करेंगे, एंड अपनी फिंगर की सहायता से फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन को हम अपनी फोटो में परफेक्ट रूप से मिलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइस, इसकी ह्यू है 228, एंड सैचुरेशन है 49, एंड यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो ब्लेंडिंग की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +70, एंड यहाँ से वायलेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, वायलेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +31, एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, जो हमारी फोटो है वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे हम और बेटर बनाएंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +21, एंड यहाँ से डी एच की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो डी एच की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10, एंड यहाँ से वीनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, वीनेट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -36, एंड यहाँ से मीड पॉइंट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। तो मीड पॉइंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम 36, एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, फेदर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +80। अब इस फोटो को हम स्मूथ करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे,
एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो इसे रखते हैं प्लस 15। एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे, ठीक है, तो इसे रखते हैं प्लस 25। एंड नीचे आते हैं, यहाँ पर है कलर नॉइस रिडक्शन, एंड इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर को ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।